जय माता दी। आज मैं आपको उस ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रह आपके जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो तो सारी दुनिया आपके आगे सर झुकाती है। समाज के सभी लोग आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आपको कभी किसी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। अगर कोई समस्या थोड़ी बहुत देर के लिए आती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ और अपनी अक्ल की बारीकी का इस्तेमाल करके उससे जल्दी से बाहर स्वयं भी आता है। और यदि उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में तकलीफ है तो ऐसे व्यक्ति के बोल देने मात्र से समस्या दूर हो जाती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ राहु देव के अच्छे लक्षणों के बारे में। खराब के बारे में तो पूरा चैनल ही भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब ही भरा पड़ा है। हम अच्छे के बारे में बात करेंगे जीवन में, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए। इसीलिए आज आपको मैं उपाय भी वही बताऊंगा जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव को अच्छा करें। राहु का कर्म होता है और राहु का अधिकार होता है ब्रेन पर, यानी दिमाग पर पूरा अपना कंट्रोल करना। उनका ये अधिकार क्षेत्र हुआ करता है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अक्ल का चाणक्य हुआ करता है। अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव को आज आप भी ध्यान से पकड़ करके देखेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव क्या फल दे रहे हैं। और किसी अच्छे कंसल्टेंट को अपनी कुंडली दिखा करके आप भी अपने राहु के अच्छे लक्षणों को पहचान लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा लीडर बनता है। किसी भी फील्ड के अंदर वो अच्छा नेता बन जाता है, अच्छी लीडरशिप करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी समस्या के आगे घुटने नहीं टेकता। एक और यहाँ पर अच्छी सी बात बता देता हूँ, जब भी आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव को पहचान करके उसे अच्छा कर लेते हैं तो आपके आसपास चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, ऐसी जगह पर यदि कोई आपसे टेढ़ा व्यक्ति टकराता भी है तो आप उसे भी बहुत बारीकी से हैंडल कर लेते हैं और वो आपके ही गुणगान करने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हों ऐसे लोग हर किसी से काम निकलवाने में बड़े मास्टर हुआ करते हैं, बड़े तेज हुआ करते हैं। और इनको अच्छा कैसे रखा जाए, आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे देते हैं। आपके घर की मुख्य दहलीज यानी कि जो मेन एंट्रेंस है वो टूटी फूटी ना हो। घर के दरवाजे जितने भी हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। घर के आसपास यानी घर के दरवाजों के आसपास, खिड़कियों के आसपास जाले लगे हुए ना हो, गंदगी ना हो। आपके घर के टॉयलेट और बाथरूम बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। आपके घर के अंदर कोई ऐसा कोना ना हो जहाँ पर अंधेरा रहता हो, यानी कि जब भी आप अपने घर में लाइट जलाएं तो हर कोने में लाइट जरूर पहुँचनी चाहिए। क्यों? केतु अगर कॉर्नर है तो राहु उस जगह पे कॉर्नर में लाइट पड़ने पे उसके अंधकार को ख़त्म कर देता है, वो राहु हो जाता है। दिमाग की एनलाइटमेंट यानी दिमाग की बत्ती जलेगी तो हर समस्या का समाधान आपके शरीर में ही हुआ करता है। इस बात का अर्थ ये है, घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बना लेने से भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छा फल नहीं दिया करते। और जिन लोगों के घर में नहीं है वो लोग राहु के अच्छे प्रभाव के अंदर ही रहते हैं, यानी वो खराब से बच जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासों में नहीं फंसता, किसी की कही हुई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति अपने काम को पूरे ध्यान से करता है, पूरी लगन के साथ करता है, पूरे अटेंशन दे करके करता है। जब किसी बच्चे को टीचर पढ़ा रहे होते हैं, चाहे उसकी ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, ऐसे बच्चे का ध्यान पूरी तरह से टीचर के समझाए हुए कंटेंट पर हुआ करता है। राहुदेव याददाश्त के भी मालिक हुआ करते हैं, ये याददाश्त बहुत अच्छी देते हैं। राहुदेव को और ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? घर के अंदर यदि आप बंद घड़ियाँ इकट्ठा नहीं करते, बिजली के खराब सामान आप इकट्ठा नहीं करते, और घर के अंदर यदि बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं तो
तो आप उन्हें चालू करते रहिएगा। किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेशली जो ग्रेविटी अटेंशन करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं उन पर भी राहु का अधिकार होता है। यदि आपके घर के अंदर पानी की बंद पड़ी हुई मोटर पड़ी हो, बिजली की कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पड़ी हो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, तो उसको आप अपने घर से बाहर निकालिएगा या उसे ठीक करा के चालू कर लीजिएगा, राहुदेव आपके अच्छे हो जाएंगे। बंद पड़े हुए पंखे भी इसी में ही काउंट किए जाते हैं, मैग्नेट होती है ना, चुंबकीय है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको दूर रखने से आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव को अच्छा कर लेते हैं? ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग के अंदर जितनी स्पष्टता, जितनी क्लैरिटी होगी, चाहे किसी संबंध को लेकर के हो, चाहे किसी व्यापार को लेकर के हो, चाहे किसी बिजनेस डील को लेकर के हो, चाहे आपकी जॉब को लेकर हो, आपके अपने करियर को लेकर के हो, जितनी आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी रहती है उतना आपका राहु देव आपको अच्छा फल देते हैं। राहु का काम हो जाता है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैं शूट करते समय कैमरे के लेंस पर ही देख रहा हूँ, इसी तरह से राहु का काम हो जाता है कि आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहे। जिस व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाए उसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, अपने शरीर को खराब कर लेना और इन्हीं विचारों का दिमाग के अंदर आते रहना भी राहु को खराब कर देता है। बच के रहिएगा, बहुत गंदी चीज़ होती है ये। इसी के साथ साथ रात को नींद ना आना भी राहु की खराबी के ही लक्षण में गिन लिया जाता है। यदि आप समय पर सो जाते हैं और सुबह समय पे जाग करके आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने काम को यानी जो आपका प्रोफेशन है आप उसको समय देते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहुदेव अच्छे हो जाते हैं। और बहुत सारे भी उपाय हैं जिनको आप कर लेंगे तो आपको राहु का अच्छा फल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर राहु के खराब होने के लक्षण नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर राहु देव को अच्छा कैसे रखा जाए। आपके हाथों के नाखून राहु होते हैं और पैरों के नाखून आपके केतु हुआ करते हैं। यदि आप इनको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, इनको सजा करके रखती हैं, जो मेरी माताएँ बहनें बेटियाँ इस एपिसोड को देख रही हैं वो समझ जाएँ, उनके राहुदेव अच्छे ही रहते हैं। आपको और कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब राहु का अधिकार ब्रेन पर हुआ करता है, दिमाग पर हुआ करता है, तो आपको अपने दिमाग की याददाश्त को तेज करने वाले काम करने से भी आपके राहुदेव अच्छे हो जाते हैं। विज्ञान कहता है, आयुर्वेद भी कहता है, हमारा वास्तु भी कहता है, हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन है जिसका 70% अकेला ब्रेन को चाहिए। यदि आप सुबह रोजाना 15 मिनट उठ करके आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम भी कर लिया करते हैं, तो इससे भी आपके राहुदेव जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हो जाते हैं। घर में बीमारियां बहुत रहती हों तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर जौ पर गौमूत्र का छीटा लगा करके जल प्रवाह कर देने से भी राहुदेव अच्छे हो जाते हैं। घर के अंदर जो सामान ना रखने वाली चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ चांदी के बर्तन में ही रोजाना पानी पीने से चंद्रमा और राहु दोनों का आपको अच्छा फल मिलता है। ससुराल परिवार के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रख लेने से भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहुदेव अच्छा फल देने लग जाते हैं। दूसरों के साथ अभद्र भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल न करने से भी राहु देव आपको अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के प्रति गलत भावनाएं मन के अंदर, दिमाग के अंदर रखा करते हैं, उनको राहु और केतु कभी भी अच्छा फल नहीं देते। इसीलिए आप कहीं काम करते हैं, आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं और आप
कॉलेज जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, मीन्स आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन यदि आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ यदि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो राहुदेव आपको हमेशा अच्छा फल देंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आप अपने कर्म में जो नियत कर्म है, निमित्त कर्म है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप ऐसा ही करियर अपनी लाइफ में चुन लिया करते हैं और आपको फिर ग्रोथ मिल जाती है, आप तरक्की पे आने लग जाते हैं। और समाज के सभी लोग कहते हैं, अरे भाई आप क्या करते हो, हम तो आपको देखते हैं आप तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते फिर भी आप अपने काम में इतना सफल हो जाते हो। ध्यान रखिएगा, जीवन में 100 तीर मार करके एक तीर आपका निशाने पे लगे ऐसा नहीं बनना, आपका एक ही तीर जब भी आप छोड़ें हमेशा निशाने पे लगे ऐसा आपको अपने कार्य क्षेत्र का अर्जुन बनना है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको ऐसे ही काम की वीडियो देता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं, आपके जीवन को सुखी समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लाभ लीजिएगा। जय माता दी।